हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम दो तरह की चटनी, हरी और लाल चटनी, रमज़ानों के लिए बनाकर फ्रीज़ करेंगे। इसके साथ ही चाट मसाला पाउडर बनाएंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हरी मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा, नमक, इमली की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मिक्सी के जार में आधा कप पानी ले लिया है, उसमें 15-20 हरी मिर्चें डाली हैं, एक छोटा चम्मच नमक डाला और 8-10 लहसुन की कलियाँ डाली हैं, 2 चम्मच ज़ीरा डाला। इन सबको मिक्सी में अच्छी तरह पीस लिया। इसके साथ ही इसमें 3 बड़े चम्मच इमली डाली है, 3 से 4 बड़े चम्मच डल जाएगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मिक्सी में ये हमने अच्छी तरह चला ली है, पूरी पीस गई तो हमने इसको आइस ट्रे में चम्मच से डाल दिया है और इसको 6-8 घंटे पहले फ्रीज्ड होने देंगे। जब ये पूरी तरह से जम जाएगी, ये भर गया, इतनी बची तो मैंने इसको डिब्बे में करके दूसरे रख दी है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने रेगुलर यूज़ अभी कर लेंगे। ये हमारी फ्रीज्ड हो गई है, इसको हम निकाल कर और इसको जिप पाउच में डालकर रख लेंगे, जब ज़रूरत होगी क्यूब्स डाल देंगे। लाल चटनी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच पिसी लाल मिर्च, मेरे पास चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ही ज़ीरा, 8-10 लहसुन की कलियाँ, 3 चम्मच मेरे पास तिल है, 3 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच सिरका। इन सबको मिक्सी में चलाकर पीस लेंगे। आपके पास साबुत लाल मिर्च हो तो आप साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए, मेरे पास पिसी हुई थी चिली फ्लेक्स तो मैंने 2 चम्मच डाले। सिरका भी इसमें डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह चला लेंगे। ये पूरी पिस गई तो हम इसे आइस ट्रे में रखकर 6-8 घंटे पहले फ्रीज्ड होने देंगे अच्छी तरह से। पूरी भर गई है, इसे हमने फ्रीज्ड कर दिया, देखिए पूरी तरह जम गई है। अब हम इसको निकाल कर इसके क्यूब्स को जिप पाउच में डालकर रख देंगे। चाट मसाला बनाने के लिए मुझे 4 बड़े चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स छोटे, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच ही सफ़ेद नमक। इन सबको हम भून लेंगे तवे पर। और ये देखिए, ये टार्टरी का पीस है, सिट्रिक एसिड या टार्टरी आपको जो मिल जाए, इतना ही बड़ा डलेगा ये। इन सबको भून कर मिक्सी में डालकर पीसना है। धनिया, ज़ीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ये सबको हमने तवे पर अच्छी तरह भून लिया है और मिक्सी में डालकर इसको पीस लिया है। हमारा चाट मसाला पाउडर तैयार है।